हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। आज की डेट में यूपी स्कॉलरशिप किन स्टेट्स वालों को आ रहा है, आज हम ट्विटर पर कैंपेन करने वाले हैं और बता दें आप सभी के लिए बजट को लेकर भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आई है। तो पहली बार है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बॉल पर क्लिक कर दें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि मैं आपको ट्विटर का लिंक और सारे लिंक्स टेलीग्राम पर दे सकूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आज ही के पेपर में हिंदुस्तान की वेबसाइट पर अपडेट किया गया, आप देख सकते हो डीएम, ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए जो हमारे डीएम साहब ने शासन से बजट की मांग की है। हमारे जो डीएम है शाहजा के डीएम ने बोला है कि जो स्कॉलरशिप का बजट है बढ़ाया जाए। देख सकते हो इन्होंने पत्र लिखा है, अब सरकार ऐसा सुनती है नहीं सुनती वो तो बात अलग की है। देख सकते हो छात्रवृत्ति न मिलने पर सर, पूरा वीडियो जरूर देखें, स्किप ना करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न मिलने पर यहाँ पर बताया जा रहा है बीएड प्रथम बच के छात्र तीन दिन तक ज्ञापन सौंपा था, कहा जा रहा है छात्रवृत्ति के लिए नहीं मिलने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने वहां फंड नहीं है, बोले फंड ही नहीं बचा, अब जब बजट आएगा तो छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर उमेश प्रताप सिंह ने सचिव कल्याण विभाग को एक पत्र लिखकर भेजा है जिन्होंने उन्हें बजट की मांग की है। अब देखो मांग तो सभी लोग कर रहे हैं बजट की, हम भी तो मांग कर रहे हैं कि हमारा स्कॉलरशिप दिया जाए। तो उन्होंने बताया कि डीएम ने शासन को पत्र लिखकर छात्रवृत्ति को लेकर बजट की मांग की है। कहने का मतलब ये आप लोग की स्कॉलरशिप अब बजट की मांग की है। यहाँ पर आप देख सकते हो आज के पेपर में सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो इन बच्चों का, जिन बच्चों का स्टेटस इस तरीके का दिखा रहा है, टोटल इस तरीके का दिखा रहा है, तो उनका पैसा उनके अकाउंट में आ चुका है, जाके चेक कर ले, ये 100% ऑथेंटिक अपडेट है। यहाँ पर देख सकते हो 21 तारीख इनका वेरीफाई किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे स्टेटस वालों का पैसा आना शुरू हो गया है, तो वो लोग जाके देख ले। अब बात करते हैं, देखिए स्टेटस की अगर मैंने बात की आपको बता दिया है और बच्चे यहाँ पर लगातार छात्रवृत्ति न मिलने पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हर जिले से अपडेट है, आजमगढ़ की देख लो आप लोग, शुक्रवार को छात्रवृत्ति न मिलने पर लोग लगातार, हम आज ट्विटर कैंपेन भी करने वाले हैं तो ट्विटर पे आपको क्या क्या करना है वो भी मैं वीडियो को स्किप ना करें, सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप लोग बजट कम, और आज के पेपर में ही निकल के आ रही बजट कम, 13,716 छात्रों की छात्रवृत्ति फंस चुकी है, पढ़ाई पर मंडराने लगा, शासन से बजट जारी होने पर मिलेगी सुविधा। देखिए इन्होंने बोला कि बजट जारी होने पर मिलेगी सुविधा, ऐसा ही यहाँ पर डीएम साहब ने पत्र लिखकर भेजा है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कानपुर से ऑफिशियली खबर निकल के आ रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बजट न मिलने से छात्रों की छात्रवृत्ति अटकी है। हालांकि मैं आपको बता दूं बजट के लिए हमारे जो डीएम साहब उन्होंने पत्र भी भेज दिया है और कई लोग हम भी ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ ट्विटर में जरूर जुड़े। नहीं आई छात्रवृत्ति, कॉलेज नहीं भरने दे रहे फॉर्म, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये भी अपडेट निकल के आया था कल की डेट में, ठीक है। आप देखते हो बीएड की छात्रा, इन्होंने बताया कि जो आपने देखो कि बहुत से कॉलेज वाले क्या करते हैं, मतलब स्कॉलरशिप इस पर एडमिशन लेते हैं, तो वही इनका हुआ है क्योंकि इनकी स्कॉलरशिप तो आई नहीं है, भैया कॉलेज वाले कह रहे हैं हमें भैया पैसा दो क्योंकि आपकी छात्रवृत्ति तो आई नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है, आप लोग खुद पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये एक नोटिस आया है समाज कल्याण विभाग से, उसमें बताया जा रहा है कि जो आप लोगों की जो स्कॉलरशिप का डेट्स है ना, ये SC ST कैटेगरी के छात्रों के लिए है, इसमें तो मतलब डाटा लॉक करने की डेट बढ़ाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। 19 मई जो भी आपको थोड़ा धुंधला दिखता हो क्योंकि नोटिस ओपनली मुझे थोड़ा धुंधला मिला था, अब देख सकते हो। बात करेंगे सीधे अपडेट्स के बारे में, यहाँ पर देखिए बजट कमी से छात्रों की स्कॉलरशिप है वो फंस चुकी है, आज के ही पेपर में आपको दिखता होगा स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। कई बच्चों ने अपने अपने मत यहाँ पर दिए हैं कि हमें छात्रवृत्ति 65% से ज्यादा अंक थे इनके फिर भी नहीं आई, अरे काफी बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, आपको ट्विटर पर कैसे कैंपेन करना वो भी बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप जरा सा भी ना करें। देखिए छात्रवृत्ति के लिए लंबित आवेदनों के लिए नई सारणी जारी की गई है, लंबित आवेदनों को अब 27 अप्रैल तक अग्रसित करने, कॉलेज बारे अग्रसित करेंगे और वही नोटिस में बताया गया वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। 10 मई तक अंतिम तिथि है, ये क्या है, जैसे मान लो कुछ कॉलेजों को स्पेशल ऑफर दिया गया है ST वालों के लिए, लखनपुर खीरी समाधान से बता जा रहा है कि 11वीं 12वीं 10वीं की लंबित अग्रसाधित कर दी गई है, शासन ने सारणी जारी कर दी है, सारणी मैंने आपको दिखा दी है, बता रहा है 27 अप्रैल तक आप जो फॉर्म है वहां पर अग्रसित कर सकेंगे, कॉलेज वाले फॉरवर्ड कर सकेंगे, उसके बाद जो आप लोगों की स्कॉलरशिप है बताया जा रहा है कि 10 मई तक निर्धारित की गई है, जो फीस लॉक करने की डेट है 10 मई तक निर्धारित की गई है। तो ये तो रही, यहाँ पर देख सकते हो उससे से लेकर 16 मई तक आप लोगों की जो करेक्शन होगा वो यहाँ पर बता रखा है। तो कहने का मतलब ये कुछ स्पेशल बच्चों के लिए ऐसा किया जा रहा है,
ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये तो रही आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। और ट्विटर पे कैसे आपको कैंपेन करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बजट की आपको अपडेट्स आज की डेट में बता दी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, और आप लोगों ने अभी अभी हमी तक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फॉलो क्लिक करके देख सकते हो, हम यहाँ पर छात्रवृत्ति की मांग कर रहे हैं। अभी मैंने ट्वीट कर दिया, सभी बच्चे जाएंगे यहाँ पर #UPScholarship #YogiJiScholarship2 इस तरीके से मैंने यहाँ पर बता दिया। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करके रीट्वीट कर देना है। और कोई बच्चा अगर चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से, अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर होगा, आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करके इसको रीट्वीट कर देना है। तो आपको इस तरीके से इसको रीट्वीट करना है, और ज्यादा रीट्वीट होंगे तभी गवर्नमेंट के पास ये बात पहुंचेगी। हालांकि डीएम वगैरह ने मतलब ज्ञापन वगैरह सौंपा है, तो देखते हैं अगर होता है तो आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट हो सकती है। तो आप लोग जल्दी से जाके इसको जल्दी जल्दी रीट्वीट कर दें। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपको ट्विटर पर ट्वीट करना है, और जो डीएम की डीएम ने भी मांग कर रही है स्कॉलरशिप को लेकर। आज की स्टूडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।